और गांधी जी को बापू का आदेश। अब अगर कपड़े उतारने से कोई बड़ा बन जाता है तो राखी सावंत माफ कर देते। यूपी विधानसभा चुनाव अब सर पर ही है और सत्ताधारी बीजेपी से लेकर तमाम पार्टियां चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में यूपी के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिसने राजनीति को एक और निचले स्तर पर धकेल दिया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रबुद्ध वर्ग का उदाहरण दे रहे थे, इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि गांधी जी को देश ने बापू कहा, वो कम कपड़े पहनते थे और धोती ओढ़ते थे। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि अगर कपड़े उतारने से कोई महान बन जाता है तो राखी सावंत महान बन जाती। मैंने तो 6000 किताबें पढ़ी हैं घर से, और 30 किताबें घर से कोई प्रबुद्ध नहीं। गांधी जी कपड़े कम पहनते थे, धोती ओढ़ रहे थे, और गांधी जी को बापू का आदेश। अब अगर कपड़े उतारने से कोई बड़ा बन जाता है तो राखी सावंत माफ कर देते। आपको बता दें कि बीजेपी ने उन्नाव में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया था। यहां पर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष हिस्सा लेने पहुंचे थे। जब विधानसभा अध्यक्ष का ये वीडियो वायरल हो गया तो वो इस बारे में सफाई देते हुए नजर आए। अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उल्टा उन्होंने अपने बचाव में ये तक कह दिया कि वो गांधी जी की तारीफ कर रहे थे। मामले को शांत करने के लिए वो एक के बाद एक लगातार अपनी सफाई में ट्वीट भी कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, सोशल मीडिया पर कुछ मित्र मेरे भाषण के एक वीडियो अंश को अन्यथा अर्थों के संकेत के साथ प्रसारित कर रहे हैं। वास्तव में ये उन्नाव के प्रबुद्ध सम्मेलन में मेरे भाषण का अंश है जिसमें सम्मेलन संचालक ने मेरा परिचय देते हुए मुझे प्रबुद्ध लेखक बताया था। यूपी विधानसभा अध्यक्ष इसी कड़ी में एक और ट्वीट किया और लिखा, मैंने इसी बिंदु से बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि कुछ पुस्तकों और लेखों के लिखने से कोई प्रबुद्ध नहीं हो जाता। महात्मा गांधी कम कपड़े पहनते थे, देश ने उन्हें बापू कहा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि राखी सावंत भी गांधी जी ही हो जाएंगी। मित्रगण, मेरे भाषण को वास्तविक संदर्भ में ही ग्रहण करने की कृपा करें। हृदय नारायण के इस बयान को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये मामला यहीं पर रुकने वाला है, बल्कि सरकार के खिलाफ मुद्दों की तलाश कर रही विपक्षी पार्टियां इसे आगामी चुनाव में जोर शोर से उठा सकती हैं। खबर आपके गांव की, खबर आपकी गलियों की, खबर आपके मोहल्ले की, खबर आपके शहर की, खबर आपके आसपास की, खबर आपके सरोकार की। आपके जिले की हर खबर को लेकर हम हैं वोकल। देखते रहिए अपने मोबाइल पर न्यूज 18 लोकल।